नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में पुलिस विभाग इन दिनों दोहरी ड्यूटी कर रहा है, जिसके चलते जनता कर्फ्यू का पालन करवाने के साथ ही पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने में भी जुटी हुई है। ऐसे में विभाग पर बढ़ते काम के दबाव के कारण शहर में पुलिस बल कम पड़ने लगा है, जिसे देखते हुए विभिन्न बटालियन से 500 पुलिस कर्मियों को बुलाया गया है। इंदौर में लगाया गया जनता कर्फ्यू के बाद से पुलिस जनता कर्फ्यू का पालन करवाने में जुटी है, साथ ही शहर में अपराधों पर लगाम लगाने की दोहरी जिम्मेदारी भी पुलिस पर बनी हुई है। ऐसे में पुलिसकर्मी एक साथ दो दो कार्य करने में जुटे हैं। ऐसे में पुलिस बल की कमी को देखते हुए 15वीं, 34वीं और DRP लाइन से अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया है। 500 पुलिसकर्मियों के इस अतिरिक्त बल की तैनाती विभिन्न थानों और चेकिंग प्वाइंट पर की गई है। साथ ही यदि आगे भी पुलिस फोर्स कम पड़ता है तो अतिरिक्त फोर्स बुलाया जाएगा और उनकी भी तैनाती की जाएगी। वर्तमान में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के तारतम्य में इंदौर जिला पुलिस के सहयोग के रूप में REPTC, 1st बटालियन, 15 बटालियन और 34 बटालियन धार, कुल मिला के 500 का फोर्स आवंटित हुआ है, जो जिला पुलिस बल के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चेकिंग ड्यूटी, क्वारंटाइन सेंटरों में ड्यूटी और पुलिस हॉस्पिटल के अतिरिक्त अन्य हॉस्पिटलों में भी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ सर, फिलहाल पुलिस किस तरह से नजर रख रही है, CCTV का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है और किस तरह से जनता कर्फ्यू तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाती है? हमारे द्वारा जगह जगह पर जो CCTV फुटेज ले लिए जा करके अगर कोई जनता कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो व्यक्ति किसी भी तरीके से नहीं मान रहे हैं उनको हम अस्थायी जेलों में भी भेज रहे हैं। हमारे द्वारा प्रत्येक जो थाना है उस पर एक्स्ट्रा मोबाइल पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है, जिससे एक तो कोविड से जवानों का बचाव हो सके और साथ ही साथ जो असामाजिक तत्व हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। सर, जो पुलिस जवान चौराहों पर ड्यूटी कर रहे हैं सर, उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है? सर, पुलिस जवान जो चौराहों पर ड्यूटी कर रहे हैं उनके छाया के लिए वहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ उनको भोजन के टाइम पर भोजन अच्छा गुणवत्ता वाला मिलता रहे ये सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ कोविड से बचाव हेतु फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर और विटामिन सी और जिंकोविट की जो टैबलेट्स हैं वो वितरित करवाई गई हैं। सर, आगे वो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या सर, क्योंकि लॉकडाउन तो बढ़े जा रहे हैं? फोर्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर लगेगा कि कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है तो पुलिस मुख्यालय से संपर्क कर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और वहाँ से फोर्स आवंटित करवाया जाएगा। सर, स्थायी जेल में अभी तक के आपको लगता है कितने लोगों को सजा मिल चुकी है? अस्थाई जेल चूंकि मेरे से संबंधित नहीं है तो संबंध मुझे जानकारी है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।